أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ویلکم ٹو مائی چینل ڈی این ایف آج کے اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مالیکولر آئین کے بارے میں ٹھیک ہے پیچھے ہم نے پڑھا سمپل آئین کے بارے میں ٹھیک ہے تو یہ بالکل اسی طرح صحیح ہے ٹھیک ہے صرف تھوڑا سا فرق ہے بیسک کنسیپٹ وہی ہے اب دیکھیں اس کی ڈیفینیشن When a molecule loses or gains an electron, it forms a molecular ion. ठीक है पीछे तक जब एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा तो उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा ठीक है जो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव तो उसको हम उस जो नई स्पीशी हमारे पास बनेगी ठीक है जो नई हमारे पास नई चीज बनेगी उसको हम क्या कहते हैं आयन तो इसके अंदर मॉलिक्यूलर आयन है जिसमें मॉलिक्यूल अगर जो मॉलिक्यूल है ठीक है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन ठीक है अब मॉलिक्यूलर आयन है वो या तो वो इसी तरह से कैटायनिक हो सकता है या फिर एनायनिक ठीक है कैटायनिक यानी कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा ठीक है जो इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स हैं ठीक है ये ज्यादा तादाद में होते हैं बनिस्बत एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स के ठीक है अब देखें इसके एग्जांपल्स में लिखे हैं CH4 पॉजिटिव हीलियम पॉजिटिव भी है N2 पॉजिटिव भी है ठीक है अब नीचे एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन इसके अंदर क्या होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है जो एनायन है वो क्या करता है जो मॉलिक्यूलर आयन है ठीक है एक मॉलिक्यूल है जब इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और हम उसको क्या नाम देते हैं एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन अब इसके एग्जांपल देखें N3 नेगेटिव इसको नाइट्राइड भी कहते हैं O2 नेगेटिव और ये कम मिकदार में होते हैं ठीक है अगर हम बात करें कि ये मॉलिक्यूलर आयन बनते कैसे क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूल किसे कहते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं ठीक है अगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्यों गेन या लूज करेगा ठीक है वो क्यों अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा तो जवाब ये है कि क्या किया जाता है कि मॉलिक्यूलर आयन्स वो किस तरह से बनाए जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने हीलियम है ठीक है हीलियम को आपने डिस्चार्ज ट्यूब में लेना है ये आपके डिस्चार्ज ट्यूब जिसको हमने वोल्टेज के साथ कनेक्ट करना ठीक है वोल्टेज कह लें बैटरी कह लें एक चीज होगी ठीक है अच्छा अब ये इलेक्ट्रोड है ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है अब ये डिस्चार्ज ट्यूब में अगर हम हीलियम गैस लें तो ये हीलियम गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इतना ज्यादा इतना कम फासला नहीं होता गैस के मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा फासला होता है तो अगर इन मॉलिक्यूल्स में से यानी कि इनमें से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करवाए जाए या इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकलेंगे ठीक है तो वो क्या करेंगे इसको आयन बनाने के ठीक है मॉलिक्यूल को आयन बनाने में वो मदद देते हैं बल्कि उन्हें यूज किया जाता है मॉलिक्यूल्स को आयन में के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ठीक है आज की वीडियो का जो लेसन था वो बहुत ही सिंपल था क्योंकि इसका बेसिक कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं अगर आपने कोई सीखा है इस वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें लाइक करें
इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।